उत्पत्ति अध्याय 17 उत्पत्ति अध्याय 17 खतना की विधि के ठहराने का वर्णन और इसहाक की उत्पत्ति की प्रतिज्ञा। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यू बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता होगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अत्यंत ही फुलाऊंगा फलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों को रूपा देकर मोल लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए उनका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न हो वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारय है उसको तू अब सारय न कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन में ही कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी, और इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फुलाऊंगा फलाऊंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा, उसके 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाकी के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने इब्राहिम से बातें करनी बंद कर दी और उसके पास से ऊपर चढ़ गया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र इश्माएल को और उसके घर में जितने उत्पन्न हुए थे और जितने उसके
रुपए से मोल लिए गए थे। निदान उसके घर में जितने पुरुष थे उन सबों को लेके उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी खलड़ी का खतना किया। जब इब्राहिम की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था और जब उसके पुत्र इश्माएल की खलड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। इब्राहिम और उसके पुत्र इश्माएल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए तथा जो परदेशियों के हाथ से मोल लिए गए थे सबका खतना उसके साथ ही हुआ।